हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वन चारे। यमुना तीर वन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोधा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वन चारे। यमुना तीर वन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद। जय प्रभुपद। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय राधा माधव की। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13, अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 23। मेरे पीछे दोहराइए, उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। रिसाइट। हो गया क्या? ओके। शब्दार्थ, उपदृष्ट साक्षी, अनुमंत अनुमति देने वाला, च भी, भर्ता स्वामी, भोक्ता परम भोक्ता, महाईश्वरः परमेश्वर, परमात्मा परमात्मा, इति भी, च तथा, अपि निसंदेह, उक्त कहा गया है, देहे शरीर में, अस्मिन इस, पुरुषः भोक्ता परः दिव्य। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की क्या अनुवाद, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार में परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्ता है और भगवान भोक्ता है या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप से निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठापूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रविभूत जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटास्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या
आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरी प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक गांव में एक ब्राह्मण टीचर था। ब्राह्मण आज कभी भी सैलरी नहीं लेते थे, वो हमेशा जो भी लोग ला के देते थे दान के रूप में उसे स्वीकार करते थे, उसे उनका पालन होता था। उसके बहुत सारे शिष्य थे, अलग अलग अमीर से गरीब घर से सब जगह से थे। तो एक बार ब्राह्मण का पिताजी का श्राद्ध आया था, तो उसे भोजन देना था पूरे गाँव में सभी लोगों को। तो उसने सभी अपने शिष्यों से पूछा कि आप मुझे क्या क्या योगदान दे सकते हो, अब मैं फीस तो लेता नहीं हूँ, आप कुछ योगदान दे सकते हो खाने पीने के पदार्थ में। कोई घी लेके आ सकता है, कोई दही लेके आ सकता है, कोई शक्कर लेके आ सकता है। तो ऐसे एक एक शिष्यों से पूछा, आप क्या लेके आओगे। एक शिष्य कहता है, मैं चावल ला के दूंगा, गेहूँ ला के दूंगा, घी ला के दूंगा, दूध ला के दूंगा। उसमें से शिष्यों में से एक गरीब बच्चा रहता है जिसके पिताजी नहीं रहते हैं, उसकी सी माता उसका पालन करती है, तो बहुत मुश्किल से उसका पालन होता है, स्कूल का खर्चा निकलता है। तो उसे पूछा जाता है, आप क्या ला के दोगे। तो बच्चा कहता है, मैं बता नहीं सकता, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मुझे अपने माँ से पूछना पड़ेगा कि हमारे घर में बहुत दिक्कत है, तो जो वो प्रॉमिस करेगी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको ला के दे दूंगा। सो मास्टर बोलता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो दिन बाकी है श्राद्ध में, कल तक का समय देता हूँ, पूछिए मुझे बता देना। बच्चा जाता है घर पर, माँ से पूछता है, मम्मी मेरे मास्टर जी के पिताजी का श्राद्ध है, हर एक बच्चा योगदान कर रहा है, मुझे भी योगदान करना है, तो हम उनको क्या दे सकते हैं, आप क्या मुझे दे सकती हो उनको योगदान करने के लिए। सो माँ कहती है, बेटा एक तो हमारा खर्चा मुश्किल से निकलता है, हमारे खाने पीने की दिक्कत है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँगी, मुश्किलें देना, हमारे पिता तुम्हारे पिताजी भी नहीं हैं। सो बच्चा रोने लग जाता है, निराश हो जाता है कि सभी बच्चे देंगे वो नहीं देगा तो उसे बुरा लग जाएगा। सो माँ कहती है, बुरा मत मानो, भगवान है सबका पालन करते हैं और उन्हें दीना बंधु कहते हैं। दीना बंधु मतलब जो दीन लोग हैं, पतित लोग हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप उनके पास जाओगे मदद मांगने के लिए तो गारंटी ही आपकी मदद करेंगे, वो आपको ठुकराएंगे नहीं, और वो कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं आपको, कि सब कुछ उनका ही तो है। तो बच्चा खुश हो जाता है, तो एकदम पूछता है एकदम जोश में, ये दीना बंधु कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर उसे ढूंढ सकता हूँ। तो मम्मी कहती है, मैंने सुना है ये साधु बाबा है, जंगल में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, पता नहीं वहाँ पे जाते कभी बाहर नहीं आते हैं, तो तुम भी वहाँ पे जंगल में जा सकते हो और उसे ढूंढ सकते हो। तो बच्चा जाता है, उसको जानवर दिखते हैं, गाय को पूछता है, दीन बंधु को देखा है क्या, नहीं पता है कि दीन बंधु कहाँ पे है, कोई किसी और जानवर को पंछी को पूछते हैं, दीन बंधु पता है क्या कहाँ पे है, कोई किसी को पता ही नहीं, कोई जवाब नहीं देता है, कि जोर से चिल्लाना चालू करता है, दीना बंधु कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कोई रिप्लाई नहीं आता है, बस उसके आवाज़ का इको होता है। फिर वो रोना चालू कर देता है, निराश हो जाता है कि मैं कैसे मास्टर को खुश करूंगा, मेरी मम्मी भी मुझे हेल्प नहीं कर पा रही है, मैं हेल्पलेस हो गया हूँ। और जब हेल्पलेस हो जाते तभी हमारी भगवान हेल्प करते हैं,
और तभी तुरंत नुपुर की आवाज आती है, छन छन छन। एक सावला सा छोटा सा बालक आता है और चिल्लाता है, ए बाबा इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, पूरे जंगल को डिस्टर्ब कर दिया। बालक सावला रहता है, सुंदर मोरपंख रहता है और इंडस्ट्रियली बांसुरी भी रहता है। बच्चा एकदम खुश, अरे तुम दीन बंधु हो क्या? तो कहता है, हाँ मैं दीन बंधु हूँ, क्या चाहिए, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो? फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि मास्टर को मुझे कुछ देना है और आप मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बताओ मुझे आप क्या दोगे मेरे गुरु जी को देने के लिए। तो कहता है, मैं तुम्हें दही दे सकता हूँ, तो कल ये समय पर आना, मुझसे दही लेके जाना और मास्टर को जाके दे देना। बच्चा खुश, अगले दिन मास्टर के पास जाता है और प्रॉमिस करता है, मास्टर जी मैं आपके पिताजी के श्राद्ध के लिए आपको एक दही ला के दूंगा, दही की व्यवस्था कर दूंगा। फिर अगले दिन जाता है, फिर से देना बंधु कहाँ पे हो। अचानक से कृष्ण आ जाते हैं और उसको एक मटकी ला के देते हैं, छोटी सी मटकी नॉर्मल, और उसको दे देते हैं, उसमें दही रहता है। बोले ये लो अपने मास्टर को दे दो। बच्चा एकदम सिंसियरली लेता है और सिंसियरली एज इट इज ला के दे देता है मास्टर को। मास्टर तो ले लेता है और जैसे ही बच्चा गुजरता है क्लास के बाहर, गुस्सा करता है, मेरे को 2000 लोगों को खिलाना है, ये इतनी सी मटकी में कुछ होगा क्या, इसे तो एक का भी पेट नहीं भरेगा, कैसे मैं पालन करूंगा सबका, कैसे खाना बनाऊंगा। और गुस्से में होकर वो मटकी जमीन पे फेंक देता है और अपने क्लासरूम में चले जाता है। आधे घंटे बाद वो वापस आता है साफ सफाई करने के लिए और देखता है जो मटकी टूट चुकी थी, जिसका ये दही बिखर चुका था, ये वापस मटकी एज इट इज हो गया, रिपेयर हो गया, दही उसके अंदर वापस चला गया। वो शौक हो गया, भाई ऐसे कैसे हो गया, मैं तो तोड़ के गया था। वो फिर से लेता है, फिर से गिराता है, फिर से टूट जाता है और जैसे पलटता है वापस देखता है फिर से रिपेयर, ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है। फिर उसको लेता है और प्रिपरेशन चालू करता है दही का, दही निकालता है, कढ़ाई में डालता है और देखता है दही खत्म ही नहीं होता, दही में एक अंश खत्म नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। क्यों रहता है? कि जो उसका सोर्स है वो दिव्य है, उसका सोर्स कौन है, कृष्ण है, जो कि दिव्य है। इसलिए ईशु उपनिषद में कहा गया है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा अफिशिष्यते, जो हमारे स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग है। हमारे संसार में 1-1 करेंगे तो 0 होता है, आध्यात्मिक जीवन में 1-1=1 होता है, उसमें कभी कम नहीं होता है, कि वो पूर्ण है और उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है। मगर ये ऐसे पूर्ण है, ये ऐसे कंप्लीट होल है, इनसे कुछ आप ले भी लोगे तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये अनलिमिटेड है, ये एज इट इज रहते हैं। तो वैसे बच्चे ने जब दही लिया था वो भी एज इट इज था, उसमें कभी क्वांटिटी कम नहीं हुआ। तो ये है कृष्णा और इन्हें पुरुष कहा गया है ये श्लोक में। ये जो चैप्टर है पुरुष प्रकृति और चेतना, इसमें पुरुष दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक है कृष्णा के परमात्मा रूप के लिए और एक हम जीव आत्मा के लिए। जो पिछले वाला श्लोक था 22 वाला श्लोक, वो हमारे लिए इस्तेमाल किया गया था और ये वाले श्लोक में ये कृष्णा को आइडेंटिफाई कर रहा है पुरुषः। और ये कैसे पुरुष है, ये ऑल परवेडिंग पुरुष है। जैसे कृष्णा सब जगह पे विस्तारित है, कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतो अक्षि स्थिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य स्थिति। मैं, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें सब जगह विराजमान है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरी आंखें सब जगह विराजमान है, मेरे हाथ सब जगह विराजमान है, या मैं खुद सब जगह विराजमान हूँ? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ सीमित है हमारे शरीर तक। जैसे ये लाइट है, ये झूमर की लाइट, ये कह सकते हैं कि पूरी मुंबई सिटी में फैल रही है? नहीं, इसकी लिमिटेशन है, ये रूम इसका लिमिटेशन है। मगर सूरज की लिमिटेशन है क्या? सूरज की लाइट पूरे मुंबई, क्या पूरे यूनिवर्स में जा रही है, क्योंकि वो लाइट अलग लाइट है, वो दिव्य लाइट है और वो है कृष्णा। वो भी पुरुष है मगर अलग पुरुष है, हमारे ऐसे पुरुष नहीं है, हम सीमित पुरुष है और वो अनलिमिटेड पुरुष है, और ये फर्क है इसमें। तो जो रियल पुरुष है वो है कृष्णा, और जो हम उनसे आते हैं वो हम पुरुष है, जो यहाँ पे पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर सॉरी बन नहीं पा रहे हैं। कि हम कैसे पुरुष है, हम ऐसे पुरुष है जो यहाँ पे भोग करना चाहते हैं। पुरुष भाव मतलब भोक्ता भाव, हम यहाँ पे भोग करने के लिए आए हैं। और हम किसका भोग कर रहे हैं? प्रकृति का। ये जो संसार में जो प्रकृति है उसका हम भोग करने आए हैं। और कैसे भोग कर रहे हैं? हम ये शरीर से। तो प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है, और शरीर किसका बना हुआ है? 3 गुणों का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम ये 3 गुणों का भोग करते हैं, हम इस तरह से भोग करते हैं कि प्रकृति मतलब ये 3 गुण, और 3 गुण से हमको ये शरीर मिलता है, हम इसका भोग करते हैं।
लोग कहते हैं ना तकदीर, तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। तकदीर क्या है? ये शरीर हमारा तकदीर है, जो हमें शरीर मिला है इसमें डिसाइड किया गया है कितना दुख होएगा कितना सुख होएगा, चेंज नहीं होने वाला है। कितना भी मेहनत करो वो एज इट इज रहने वाला है। जो भी आएगा वो आके रहेगा, जो जाएगा वो जाके रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये कृष्णा कहते हैं इसके पहले वाले श्लोक में, पुरुषः प्रकृति स्तोहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनि जन्मसु। जो ये पुरुष है ये तीन गुणों का संग करता है और कार्य करता है। भोग मतलब मैं कुछ कार्य करता हूँ इंजॉय के लिए, मैं पानी पी रहा हूँ या मैं दारू पी रहा हूँ, मैं कुछ कार्य करता हूँ और उसके हिसाब से मुझे रिएक्शन मिलते हैं। अभी जो रिएक्शन मिलते हैं एक लाइफ में खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम एटर्नल हैं, हम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो हमने जो पिछले लाइफ में जो किया रहेगा हमें ये लाइफ में उसका रिएक्शन मिलता है। मगर वो कौन देता है? वो है कृष्णा, वो जो देते हैं, क्योंकि कृष्णा है उपदृष्टा, इसी श्लोक में कहा गया ही इज द ओवरसीयर। वो हमारे सभी कार्यकलाप को देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। किसी को लगता है ना छुप छुप के छुपा सकते हैं, हम नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय में ही आपके साथ में ही कृष्णा बैठे हुए हैं जिसे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आप क्या छुप छुप के करते हो, ब्लैंकेट के अंदर क्या देखते हो, उसे सब कुछ पता है, उसे छुप नहीं सकता है क्योंकि वो आपके हृदय में ही है, उसकी वजह से आप देख सकते हो। तो उसके सब कुछ पता है, और उसे ये भी पता है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया था। मगर क्या आपको पता है लास्ट लाइफ में हमने क्या किया था? वो कृष्णा को पता है। क्यों? कृष्णा कहते हैं बहुनी में व्यतानी जन्मानी तव च अर्जुना तानी अहम वेद सर्वानी ना त्वम वेता परंतपा। हम एटर्नल है, मैं पहले भी था अभी भी हूँ आगे भी रहूँगा। तुम भी है अर्जुन, पहले थे अभी भी हो और आगे भी रहोगे। जैसे कि हम यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, एक घंटे पहले हम मंदिर के बाहर थे, वो हमारा भविष्य ये अपना भूतकाल हो गया। तो हम पास्ट में बाहर थे, प्रेजेंट में यहाँ पे है और फ्यूचर में कहीं और होंगे। तो जिसका प्रेजेंट है उसका पास्ट भी था और उसका फ्यूचर भी रहेगा। वैसे ही हम जीव का पास्ट था, गया जन्म था, ये प्रेजेंट है और नेक्स्ट लाइफ भी होगा। मगर ये हमें याद नहीं रहता क्योंकि हम लिमिटेड है। कृष्णा लिमिटेड नहीं है, कृष्णा को सब कुछ याद है। आपका ये जन्म नहीं, पिछले करोड़ों जन्म का याद है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने 10 दिन पहले क्या खाया तो वो भी हमें याद नहीं रहता, पिछले जन्म की तो बहुत दूर की बात है। तो ये कंपैरिजन है ये पुरुष में। हम कौन से पुरुष हैं? हम लिमिटेड पुरुष है और कृष्णा अनलिमिटेड पुरुष है। और ये भी नहीं करते, उन्हें सब कुछ याद भी रहता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं, आपको शरीर देते हैं और आपको ये लाइफ में क्या करना है वो भी याद दिलाते हैं। जो भी जीव आत्मा ये शरीर में है अभी, जो भी कार्यकलाप कर रहा है, वो अपने पिछले जन्मों की जो इच्छा पूर्ति नहीं हुई है उसको कर रहा है, नए कार्य कर रहा है और पिछले जन्मों का दुख एंड सुख भी भोग रहा है। और ये लाइफ में जो भी कार्य करेगा वो अपना नेक्स्ट लाइफ प्रिपेयर कर रहा है। तो हम जो करते हमें वो कौन याद दिलाता है? वो कृष्णा याद दिलाते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मथ स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, हर जन्म में आपके साथ में रहता हूँ, पिछले जन्म में आपकी कौन सी इच्छा पेंडिंग थी वो याद दिलाता हूँ, पिछले जन्म में आप किसकी वाइफ थी वो भुला देता हूँ, किसके हस्बैंड थे भुला देता हूँ, ताकि ये जीवन में रह सको। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों हैं, अभी आप ये पता चले कि ये आपकी वाइफ थी लास्ट जन्म में, सॉरी टू से जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जी पाओगे? कि हमें शरीर कौन सा मिल सकता है, पुरुष का स्त्री का? लास्ट लाइफ में पता नहीं कौन सा शरीर था, पता चले ये हमारा कुत्ता था लास्ट जन्म में, मेरा स्मॉल पेट था, ओह मैंने बहुत मारा था उसे, तो तुम्हें अभी काट देगा वो, तो मैं क्या करे। तो कृष्णा हमें वो याद दिलाते हैं जो जरूरी है, वो भुला देते हैं, स्मृति कर लेते हैं और अपोहनम च भुला देते हैं जो कि जरूरी नहीं है। ये है कृष्णा, हमें हेल्प करते हैं। और लोग कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ कार्य करता हूँ तो मैं क्या अपना फ्यूचर डिसाइड करता हूँ? क्या मैं डिसाइड करता हूँ अपना फ्यूचर? नो, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर। यू कैन डिजायर टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव सम इंडिपेंडेंस। मैं डिजायर कर सकता हूँ कि मैं चाकू से किसी का गला काटूँ या सब्जी बनाऊँ, ये मेरे हाथ में है, मगर उसका रिएक्शन कृष्णा के हाथ में, कितना देना कैसे देना। तो यू कैन डिजायर एंड कृष्णा डिसाइड्स डू यू डिजर्व। कृष्णा इज द डिजर्विंग पर्सन। वो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो द सीक्रेट बुक, डिजायर करो अट्रैक्ट करो, दिस इज ऑल
half knowledge. You can desire, you can attract, but you can not decide, do you deserve? अगर हम decide करते थे तो हर कोई यहाँ पे अंबानी होता था, हर कोई हेलीकॉप्टर में घूमता था, हर कोई हैंडसम गोरा गोरा होता था, हर कोई की 10 वाइफ होती थी या 100 वाइफ होती थी. नहीं है ना? क्यों? कि आप डिजर्व नहीं करते. आप डिजायर कर सकते हो, डिजर्व नहीं करते. और कौन डिजर्व कर सिखाता है? वो कृष्णा समझाते हैं. एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मेरी इच्छा है खून पीने की और मैं वो खून पीने की इच्छा से मर जाता हूँ, ठीक है. अभी अगर मैंने कर्म अच्छे किए रहेंगे तो मेरे क्रेडिट अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा. अगर मैंने कर्म अच्छे नहीं किए रहेंगे तो मेरा क्रेडिट कम रहेगा. तो कृष्णा अभी हमारी इच्छा तो पूरी करते हैं, तो क्या करते हैं? अगर आपका बैंक बैलेंस कम है कर्मा का, क्रेडिट का, तो आपको कौन सा शरीर देंगे खून पीने के लिए? मच्छर का शरीर देंगे. और ठीक, मच्छर के शरीर में खून पियो. अगर कर्मा का बैलेंस ज़्यादा है तो आपको शेर का शरीर देंगे. ओ नाइस फैसिलिटी, अभी खून चूस हो, अच्छा फैसिलिटी. तो कृष्णा डिसाइड करते डिजर्विंग, हम नहीं. हम इच्छा कर सकते हैं मगर डिजर्विंग, दैट्स कृष्णा. दैट्स व्हाई ही इज द मास्टर, ही इज द महाईश्वर. जो श्लोक में कहा गया है वो महाईश्वर है, वो सबको कंट्रोल करते हैं, मगर वो किसी के कंट्रोल में नहीं है. सर्व कारण कारणम परमेश्वर, दैट्स कृष्णा, ही कंट्रोल्स एवरीवन. और वो डिसाइड करते हैं आपको कौन से शरीर में रहना है. तो उसका एक एनालॉजी है, जैसे घर मालक रहता है, घर मालक मतलब उसका एक घर रहता है और उसमें भाड़ेकरू रहता है. तो हम हैं भाड़ेकरू जो ये घर में रहते हैं. ये शरीर हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं. ये घर का मालिक कौन है? वो है कृष्णा. अभी हम जब घर में ये रहते हैं, हम भाड़ा भरते हैं, तो हम भाड़ा भरते तो हम घर के मालिक हो गए क्या? नहीं हुए. घर का मालिक कौन है? वो कृष्णा है. और जब उसकी इच्छा हुई आपको घर के बाहर निकाल सकता है. कैसे? मृत्यु. आपको नहीं जाना रहेगा, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मालिक कौन है? कृष्णा. आप हो क्या मालिक? नहीं, आप तो भाड़े करू हो, तो आपको भाड़ा भरना पड़ेगा. मैं क्या, हम भाड़ा भरते हैं कृष्णा को? नहीं भरते. तो भाड़ा कैसे भरना है? सेवा करके. तो ये शरीर घर है और घर को हमको इस्तेमाल करना है कृष्णा की सेवा में, मगर हम वो नहीं करते हैं. हम शरीर को इस्तेमाल करते हैं गलत कार्यों में और इसे कहते हैं डिसओबीडियंस. और इसलिए यहाँ पे हम दुखी है. किसका मालिक है? कृष्णा. उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम खुद मालिक बनना चाहते हैं. दिस इज फॉल्स ईगो एंड दिस इज माया. मैं मालिक हूँ. अरे तुम तो भाड़े करू हो, भाड़े के लिए यहाँ पे आए हो, सब भाड़े का है तुम्हारे पास. नहीं, ये सब मेरा है. दिस इज माया, दिस इज फॉल्स इल्यूजन, दिस इज चीटिंग. मगर हम वही करते जाते हो, यहाँ पे हम फंस जाते हैं और हम दुखी रहते हैं. और कहते हैं कृष्णा के परमिशन के बिना ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता कृष्णा की मर्जी के बिना. तो कृष्णा इज द अल्टीमेट परमिटर, अनुमंता. ये जो श्लोक में कहा गया है, ही इज द वन हु परमिट्स सर्व कारण कारणम. उनके सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता. ओ ऐसा है क्या? तो जो रेप होते हैं, जो मर्डर होता है, इतना गलत गलत हादसे होते हैं, तो उसका ब्लेम तो फिर कृष्णा को देना चाहिए. हम क्यों ब्लेम ले? कृष्णा सैंक्शन करे. अगर मैं रेप कर रहा हूँ तो कृष्णा इधर ब्लेम होना चाहिए. मेरे ब्लेम क्यों करना? कृष्णा को पकड़ो. और आप कहते हो कृष्णा बहुत स्वीट है. कैसे स्वीट है? इतने लोग मरते हैं, बीमार होते हैं, तो कृष्णा स्वीट नहीं है, आप चीटिंग कर रहे हो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हमारी आदत है कमियां निकालने की. हमारा वो आदत है कि किसी को तो ब्लेम करना चाहिए, कोई तो मिल जाए बकरा इसको ब्लेम कर सके और हम फ्री हो सके. हम खुद के फॉल्ट्स नहीं ढूंढते हैं, दूसरों के फॉल्ट्स ढूंढते हैं और कभी कभी हम भगवान के भी फॉल्ट ढूंढना चालू कर देते हैं. तो क्या है प्रॉब्लम? हम कैसे समझ सकते हैं कि हम क्यों जिम्मेदार है? कृष्णा जिम्मेदार नहीं है, कृष्णा सिर्फ सैंक्शन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे बारिश होती है पूरे धरती पे, ठीक है, बारिश हर जगह पे होती है, समुद्र में हर जगह पे, वो भेदभाव नहीं करती, सबको समान से बारिश मिलती है. मगर जमीन से क्या उगता है, क्या बारिश डिसाइड करती है? क्या हम डिसाइड करते हैं कि हम जो बीज बोएंगे जमीन में वो उगेगा? हमने कांटे का अगर बीज बोया तो क्या उगेगा? कांटा. अगर हमने कमल का बीज बोया तो क्या उगेगा? कमल. बारिश की गलती है क्या? तो गलती किसकी है? हमारी. तो हमको ब्लेम किसको करना चाहिए? खुद को. हम ब्लेम किसको करते हैं? कृष्णा को. ये सब भगवान की वजह से हुआ है, भगवान है नहीं है, भगवान धोखेबाज है, भगवान ये है. हम ब्लेम करने चाहिए. और तो कहते हैं कृष्णा कंट्रोलर है तो हमें क्यों कंट्रोल नहीं करता? हमें गलत कार्यों करने से क्यों नहीं रोकता? क्यों नहीं रोकता? क्योंकि आप इच्छा करते हो, आप उनके बच्चे हो. कृष्णा सिर्फ सैंक्शन कर सकते हैं. आप डिमांड करते हो मुझे ये करना है. कृष्णा है स्वराट, अभिज्ञा स्वराट, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है. और कृष्णा के हम अंश है, ममे वांशो जीव लोके, हम कृष्णा के अंश है.
तो अंश होने की वजह से हमें भी एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है, या तो हम कृष्णा के हिसाब से चले या तो कृष्णा के विपरीत चले। जो कृष्णा के विपरीत चलते हैं वो गलत कार्यों में लगते हैं, जो कृष्णा के संग में चलते हैं वो सही कार्यों में लगते हैं। तो यही हमारा इंडिपेंडेंस है और हम यहीं पे गलती करते हैं, हम विपरीत जाते हैं इसलिए गलत कार्य करते हैं और फिर दुख भोगते हैं। तो कृष्णा से सैंक्शन करते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार है, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वो कृष्णा कहते हैं ये श्लोक में 22 वाले में, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्व हेतु उच्यते, कि जो भी ये जीव है ये रिस्पॉन्सिबल है सुख का एंड दुख का। ये प्रकृति है इसे प्रोवाइड करती है सिर्फ, क्योंकि माया दीक्षण प्रकृति कृष्णा कहते हैं, ये प्रकृति मेरे अंडर में है और प्रकृति फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपको जो भी चाहिए, मगर जो डिजायर है रिस्पॉन्सिबल है वो हम है। मगर कृष्णा नहीं चाहते कि हम सफर करें। कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरण भजा अहम त्वम सर्व पापे भयो मोक्षयामि मा सुचा, भाई तुम मेरा शरण लो, मेरी बात मानो, मेरे सबसे चलो, अहम त्वम सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सभी पाप के रिएक्शन से मुक्त कर सकता हूं। मगर हम क्या करते हैं, हम कृष्णा का शरण नहीं लेते, हम अपने हिसाब से मनमानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए हम दुख भोगते हैं। कृष्ण तो कह रहे हैं भाई मेरा शरण लो, मगर हमें फेथ ही नहीं कृष्णा के ऊपर, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शंस के लिए। मगर अगर हम कृष्णा की संग ले, कृष्ण की बात माने, कृष्णा की भक्ति करें तो क्या होगा। कृष्णा कहते हैं माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो मेरी भक्ति योग में लग जाता है, सर्वधर्म परित्यज्य मीन्स भक्ति योग, पूरा समर्पण करना, कृष्ण के लिए कार्य करना, जो ये योग में लग जाता है वो ये तीन गुणों के चंगुल से बच जाता है। हम जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं ये संसार में ये तीन गुणों की वजह से, ये तीन गुण ही जिम्मेदार है। हम जो सुख भी भोगते हैं वो सुख नहीं वो दुख ही है। वो कैसा है, सोने का चेन बांधो जेल में या तांबे का चेन बांधो या लोखंड का चेन बांधो, चेन चेन होता है। तो जिसको सोने का चेन बांधे उसको लगता है हो कितना अच्छा है, पॉश है, मगर आखिर में वो बंधन ही है। और जिसको आयरन का मानते हैं वो भी बंधन ही है। तो कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे। जितना भी सुख एंड दुख है ये संसार में है वो दुख ही है। दुख क्यों है, क्योंकि आप स्वर्ग में हो या ये जन्म में हो या पाताल में हो, आपको जन्म लेना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है, आपको बूढ़ा होना पड़ता है और आपको बीमार होना पड़ता है, इस सबको इसे जाना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, इसलिए ये दुख है यहाँ पे, यहाँ पे सुख नहीं है। तो हम जब कृष्णा का शरण लेंगे तो कृष्णा हमें ये दुख से बचा सकते हैं, मगर हम नहीं लेते उनका शरण। और कृष्णा को यहाँ पे भर्ता कहा गया है, मेंटेनर। तो श्लोक है इसमें, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन। कृष्णा जो नित्य है, बाकी नित्यों को संभालते हैं, ये सबका पालन करते हैं। मुझे बताइए, आप आपका पेट का पालन करते हो, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आप चींटियों का पालन करते हो क्या, आप हाथी को खिलाने जाते हो क्या, इतने सारे जानवर है कौन खिलाने जाता है, कोई खिलाने नहीं जाते, उनका पालन कौन करता है, नित्यो नित्यानाम कृष्णा करते हैं। आप तो नहीं जाते, तो आपका भी पालन कृष्णा करते हैं, मगर अहंकार विबुद्ध आत्मा करता हम इति मन्यते। उनको लगता है अहंकार की वजह से, ओ मैं अगर कार्य नहीं करूंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा, ये मेरा धर्म है, पेट भरना मेरा धर्म है। नो नो नो, ये जानवर भी पेट भरता है अपने बच्चों का। आप अगर अपने बच्चों का पेट भर रहे हो तो ये धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, टू सेटिस्फाई कृष्णा, दैट्स द अल्टीमेट धर्म। जैसे कृष्णा कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, आपने बहुत सारे धर्म बना के रखे, पेट का धर्म, बीवी का धर्म, बच्चों का धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, ये सबको लात मारो। लात मारो मतलब साइड में रखो, एक ही धर्म अपनाओ, कृष्णा धर्म, यू सेटिस्फाई कृष्णा। क्योंकि आप सबका पालन नहीं करते हो, कृष्णा सबका पालन करते हैं। आपकी लास्ट लाइफ की बीवी का क्या, आपकी लास्ट लाइफ की बच्चों का क्या, आपकी लास्ट लाइफ की माँ का क्या, कहाँ पे है, कौन पालन कर रहा है, कृष्णा उनका पालन कर रहे हैं। आप तो भूल गए, ये लाइफ में जिसके साथ रह रहे हो नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ में नहीं आएगी, उसको भी भूल जाओगे, मगर कृष्णा उनका फिर भी पालन करेंगे। पर हमको अहंकार की वजह से लगता है मैं पालन कर रहा हूँ, ये हमारा फुलिशनेस है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो हमें कृष्णा का शरण लेना पड़ेगा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई कोई लोग कहते हैं ये ना कृष्णा सबका पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, देखो कितना बाढ़ आता है, ड्रॉट है, भूखमरी है, ओवर पॉपुलेशन हो चुका है। तो कृष्णा कहते हैं पूर्ण मादा या कि वो कभी हाफ नहीं होते, वो फेलियर है। हमें देखो कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, अन्न उग रहा है,
कांदे का भाव बढ़ते जा रहा है, कांदे का शॉर्टेज होते जा रहा है, वैसा नहीं है। कृष्णा पालन करने के लिए तैयार है, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम नियम कानून तोड़ रहे हैं, हम लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए प्रकृति सब कुछ रोक देती है, आपको खाने पीने का पदार्थ नहीं देती है। जैसे कि कहा जाता था पहले के इसमें, आपके दांत में जब कीड़े होते थे तो जंगल में एक जड़ी बूटी होती थी, उसको आपने निकाला और दांत में लगा दिया तो कीड़े गायब, इन्फेक्शन गायब। अभी आपको 4-4 घंटे तक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले वैसा नहीं होता था। वो हर्बल्स आते थे जंगल में, अभी कहाँ पे है, नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमने तामसिक भाव बना के रखा है, हमने सब नियम कानून तोड़ के रखा है। और कहा गया है कलयुग में आगे और भी खतरनाक होने वाला है, दूध नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, शक्कर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ जानवर रहेंगे, और हर एक जीव सिर्फ जानवर को खाएगा, सब मांस ही खाएंगे। कि हम वही तो कर रहे हैं, हमने स्लॉटर हाउसेस खोल के रखे हैं, करोड़ों करोड़ों जानवर मारे जाते हैं। क्यों? आपकी जीवा के लिए, अन्य ये खाने के लिए नहीं, मगर हम जानवर खाएंगे, ओ बाइसेप्स बनेंगे, काय के बाइसेप्स बनेंगे। वो कहते हैं ना, कोई कोई ये स्पोर्ट फिटनेस वाले कहते हैं, बकरा खाओ, ये खाओ, बाइसेप्स बनेंगे। मुझे बताओ, जो सॉरी गोट है वो क्या खाता है? घास फूस खाता है। उसके घास फूस से बाइसेप्स बन जाते हैं, मसल्स बन जाते हैं, तो आपके नहीं बन सकते हैं क्या? ये चीटिंग बिजनेस है, मेंटेलिटी बना के रखी है कि ये खाओगे तो ऐसा होगा, जस्ट टू मेक यू आसुरिक। और हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम स्लॉटर हाउसेस खोल के रखे हैं, हमने जुआ आराम से करते हैं, खुले में जुआ खेलते हैं, नशा पान करते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं। अब कल दिखेंगे आपको, कल न्यू ईयर है, सब रस्ते में पड़े रहेंगे, सब प्लान कर रहे हैं, ओ हम खो जाएंगे पुराने साल में, नए साल को फिर अच्छे से जिएंगे, कुछ चेंज नहीं होता है उनके जीवन में। और फिर हम अश्लीलता है, ऑब्सीन चीज़ें बातें करते हैं, ऑब्सीन देखते हैं, वल्गर चीज़ें देखते हैं, और वही चीज़ मन में भरा रहता है। हम 4 नियम तोड़ रहे हैं, हम हर एक लॉ को तोड़ रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमें फैसिलिटी नहीं दे रही है, हमें तकलीफ देती है। पानी का शॉर्टेज, इसका शॉर्टेज, पॉल्यूशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम एथियस्ट है, हम नौटंकी करते हैं भगवान का। हाँ भगवान भगवान भगवान, हमारे जीवन में भगवान है ही नहीं, सिर्फ मंदिर तक भगवान है, जीवन में है ही नहीं भगवान। क्यों नहीं है? कि हमें ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, हम गीता नहीं पढ़ते हैं। हम सब चीज़ें पढ़ लेंगे मगर गीता नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल में लगे रहेंगे गेम खेलने के लिए। ऐसे वो बच्चा है मोबाइल में लगा हुआ है और पिताजी आराम से देख रहा है, हाँ बेटा खेलते जा खेलते जा खेलते जा, और वो गेम खेलते जा रहा है। आज गेम खेलेगा फिर कल पोर्नोग्राफी देखेगा, फिर बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, ओ क्यों हुआ, आपने उसको फैसिलिटी दिया। यही कारण है हम गलत बच्चे को गलत टाइम पे गलत चीज़ देते हैं, और इसलिए वो बेचारा इग्नोरेंस में गलत कार्य करता है। आप जिम्मेदार हो, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। मैं किसको पढ़ी है, बेटा मोबाइल ले खेल, पढ़ाई कर, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं करता है, कुछ और ही करता है। सो ये प्रॉब्लम है, कृष्णा मेंटेन करते हैं मगर हम लॉ तोड़ते हैं। इसलिए इतने सारे वॉर्स होते हैं, सुनामी आता है, क्यों आता है? जानवर कभी कोई लॉ नहीं तोड़ते हैं, जानवर लॉ के हिसाब से चलते हैं, हम जाके उनके घर को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम जाके नियम कानून तोड़ते हैं, वो हम जिम्मेदार है। और हम 2 पैर पे रखे जानवर ऐसे कार्य करते हैं, नियम कानून को फॉलो नहीं करते, एटलीस्ट जानवर तो फॉलो करता है मगर हम वो भी नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि जानवर अनफॉर्चुनेट है, वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते, वो हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। जानवर हरे कृष्णा बोल सकता है क्या? महाप्रभु बुलवा सकते, वो अलग बात है, मगर जानवर नहीं बोल सकता। मगर हम बोल सकते हैं, हमें वो जीव दिया गया है हरे कृष्णा बोलने के लिए, मगर हम वो भी नहीं बोलते। हम हर चीज बोल लेंगे मगर हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। क्यों? कि हम बाकी सब कार्यों में लगे हो, हम पाप वृत्ति में लगे हुए हैं, हम भी अपने अपॉर्चुनिटी है वापस जन्म ना लेने की उसको खो रहे हैं। और किस में लग रहे हैं? पेट भरने में लग रहे हैं, मेरा पेट, मेरे बच्चे का पेट, मेरी बीवा का पेट, बस वो पेट भरने में लगे हुए हैं। ये है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ नहीं, दिस इज ग्रह मेदी, सॉरी गृहस्थ तो हाई लेवल है, ग्रह मेदी से भोग कर रहा है और पेट पाल रहा है, दैट्स इट, नो आध्यात्मिक इंक्वायरी। संघर्ष कर रहा है, 14-15 घंटा काम करता है, 3-3 घंटा रेलवे में ट्रैवल करता है, आखिर में क्या कर रहा है? पेट ही तो पाल रहा है, और क्या कर रहा है? तो जानवर भी करता है। अगर हम आत्मतत्व का ज्ञान नहीं देते, अब हम समझाते नहीं कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे करना है, हम अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हैवी बोलता हूं अभी। चाणक्य पंडित कहते हैं, पुत्र एंड मूत्र का जो सोर्स है एक ही है, अगर पिता ने अपने बच्चे को भक्त नहीं बनाया लड़के को, तो वो वैसा लड़का मूत्र बराबर है। अब पिता ने अपने लड़के को अगर भक्त बना दिया भगवान कृष्ण का, तो वही बच्चा पुत्र बराबर है।
अगर आपने भक्त नहीं बनाया तो वो मूत्र जैसे ही है, वेस्टेज है, वेस्टेज, किसी काम का नहीं है। और कितने भक्त है अभी संसार में, कौन है भक्त? आजकल के यूथ नाम लेने को डरते हैं, हरे कृष्णा बोलेंगे ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और पोर्नोग्राफी देखने को बोलेंगे हाँ नाइस नाइस, ओ कुछ कुछ कुछ, ये मेंटेलिटी है। कौन डेवलप कर रहा है? आप डेवलप कर रहे हो, यू आर एंकरेजिंग दैट बिकॉज यू आर नॉट टीचिंग देम भगवद गीता, बिकॉज यू योर सेल्फ डोंट नो भगवद गीता, दैट्स द इश्यू, यू डोंट नो, यू ओनली नो दिस वन थिंग, अगरबत्ती लगाना, टंग 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 टंग, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये रियलिटी है, यू हैव टू फेस इट। हम कहते हैं ना गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, बस जी रहे हैं पागल जैसा, और कृष्णा को ब्लेम करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, हम इरिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं और ब्लेम करते हैं भगवान को। सो ये मूढ़ता है, ये अज्ञानता है, और ऐसे लोग भगवान को ब्लेम करते हैं। और कभी भी कहते हैं, आप कहते हो सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, कृष्णा सबके हृदय में है, तो कृष्णा भी तो बद हो गए, वो भी हमारे अंदर है, वो भी ये संसार में जिसको आप कचरा पेटी कहते हो, वो क्यों यहाँ पे आते हैं, उनको नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे रह के भी इंडिपेंडेंट है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स नहीं किया जा सकता जन्म लेने के लिए, आपको फोर्स किया जाता है जन्म लेने के लिए। ए हरि बोल, दिस इज नॉट मार्केट प्लेस, सॉरी टू से। सो उन्हें फोर्स नहीं किया जाता, आपको फोर्स किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है बुढ़ापा, आपको फोर्स किया जाता है बीमारी, कृष्णा को फोर्स नहीं किया जा सकता है। मेन चीज ऑफिस का एक एनालॉजी भी है, जैसे सूरज है, सूरज हर जगह पे है, हर चीज को प्योरीफाई करता है, कपड़े सुखाता है, बैक्टीरिया निकालता है, मगर वो स्टूल को भी प्योरीफाई करता है, गोबर को प्योरीफाई करता है, मगर जब उसको छूता है क्या वो इम्प्योर हो जाता है क्या सूरज? वो इम्प्योर नहीं होता है, क्योंकि वो दिव्य है। वैसे ही कृष्णा ये संसार में, भौतिक संसार में तीन गुणों के इसमें है, मगर वो फिर भी तीन गुणों के प्रभाव में नहीं है, इससे दिव्य है, ये हमको समझना चाहिए। वो कंडीशन नहीं है हमारे साथ, हम बद है, वो बद नहीं है, इसलिए कृष्णा है भोक्ता और हम है भुक्ता। कृष्णा मेंटेनर है, सुप्रीम इंजॉयर है, और हम सस्टेन्ड है, हम मेंटेन किए जाते हैं। मगर सिर्फ अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानंतो मम भूता महेश्वरम। सिर्फ मूढ़ा लोग, फुलिश लोग, इग्नोरेंट लोगों को ही लगता है कि कृष्णा ऑर्डिनरी है, कृष्णा मैथोलॉजी है। दिस इज नॉनसेंस, व्हाट मैथोलॉजी? लास्ट क्लास में एक व्यक्ति मिला था साउथ से, वो कह रहा था आई हैव ऑल द मैथोलॉजिकल बुक्स ऑफ कृष्णा एंड आई जस्ट गॉट ऑन हिज केस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मैथोलॉजी? ही सेड नथिंग। आई सेड मैथोलॉजी मीन्स इट्स काल्पनिक, इट्स नॉट फैक्चुअल, ये सब कल्पना है, असलियत नहीं है। तो आप कह रहे हो कृष्णा कल्पना है, काल्पनिक है कृष्णा? नहीं बाबा, वृंदावन अभी भी है, गोवर्धन अभी भी है, द्वारका अभी भी है, हस्तिनापुर अभी भी है, सब कुछ है। आप कैसे कह सकते हो कृष्णा काल्पनिक है? ये ब्रिटिश लोगों ने दिया था हमें ये वायरस माइथोलॉजी का, और आजकल के एजुकेटेड पीपल बहुत प्राउडली बोलते हैं ओ आई नो ऑल द माइथोलॉजी। दिस इज द नॉनसेंस, दिस इज एजुकेशन। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड दिस मॉडर्न एजुकेशन इज स्लॉटर हाउस। व्हाई? ये आपका पूरा कचरा पीटी कर देता है, और फिर इसको उनको ब्लेम किया जाता है ब्रेन वॉशिंग का। वो ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, आपका डर्टी ब्रेन को वॉश करते हैं जो कचरा पेटी से भरा हुआ है। दिस इज वॉट वी डू, दिस इज वॉट कृष्णा वॉन्ट्स यू टू डू, बट आप नहीं करते तो हमको आपको प्रीच करना पड़ता है, हम इन बेवकूफ है। सो कृष्णा हमें कभी नहीं छोड़ के जाते, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हर जन्म में हमारे साथ में रहते हैं। हमने बहुत जन्म लिए हैं, 84 लाख यूनिया है, मनुष्य शरीर है, मछली का शरीर है, सुअर का शरीर है, कृष्णा को हमेशा हमारे साथ आना पड़ता है मजबूरन। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। कोई पिता है अभी ऐसा जो लास्ट जन्म में था, ये जन्म में भी उसके साथ में है? कोई नहीं है। आप गारंटी देते हो अपने बेटे की नेक्स्ट जन्म में उसके साथ में जाओगे? है क्या गारंटी? कोई दे नहीं सकता है। वो कृष्णा है जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, और हम सबसे प्यार करते हैं, मगर कृष्णा से प्यार नहीं करते। और जब कृष्णा से प्यार करना शुरू करते हैं तब ज्यादा भक्ति कर रहा है, घर में रहे, भक्ति मत कर, ज्यादा भक्ति नहीं करने का। मेन धर्म वही है कृष्णा से प्रेम करने का, कि कृष्णा वॉज दी ओनली पर्सन हु केयर्स अबाउट अस एटर्नली। बाकी लोग हमारा केयर करते हैं, मगर ये शरीर तक, ये जीवन तक, उसके बाद का क्या? तो हमें कृष्णा के लिए कुछ करना चाहिए, कृष्णा से प्रेम करना चाहिए, मगर हमें प्रेम का डेफिनेशन भी नहीं पता। हम प्रेम खुद से करते हैं, मैं और मेरा, मी एंड माइन,
ये मेरा शरीर है अच्छे से रखूंगा, ये मेरा घर है इसको अच्छे से रखूंगा, मेरे देश है इसको अच्छे से रखूंगा, मैं और मेरा. दिस इज नॉट लव. लव मीन्स दो व्यक्ति होते हैं हमेशा, द लवर एंड द बिलोव्ड. लव एक जन से नहीं हो सकता है क्योंकि वो लस्ट है. मी एंड माइंड आप कहेंगे मैं और मेरा शरीर और सब कुछ, ये लस्ट है, ये लव नहीं है. क्योंकि लस्ट में लव में दो जन चाहिए, लवर एंड बिलोव्ड. हमें वही तो सीखना चाहिए. और जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है दो के बीच में, इसको लव कहा जाता है. और कृष्ण से हम लव कर सकते हैं, अलग अलग भाव से कर सकते हैं, साख्य भाव से, माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से, एक माता के रूप में, एक दोस्त के रूप में. और दोस्त के रूप में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप मजाक मस्ती कर सकते हो कृष्ण के साथ में. तो एक पास्ट टाइम सुनाता हूँ कि बहुत हैवी डोज दे दिया, फिर पास्ट टाइम सुनाता हूँ. सो कृष्णा के बहुत सारे मित्र है, उसमें से एक मित्र है मधुमंगल, जो कि ब्राह्मण है, बहुत मोटा है, बहुत ही हट्टा कट्टा है, और उसे लड्डू बहुत पसंद है. ओहो, लड्डू सबसे ज़्यादा खाएगा वो. जब भी गोपियाँ उन्हें बुलाती है कृष्ण और कृष्ण दोस्तों के, ये लड्डू खाते हैं, और मधुमंगल सबसे ज़्यादा खाता है. मगर पेट नहीं भरता, लालची पेट है, और ब्राह्मण तो ज़्यादा लालची रहता है, ज़्यादा चाहिए उसे, तो कृष्णा को लालच देता है. कृष्णा तुम अगर मुझे एक एक्स्ट्रा लड्डू देंगे ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा. क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है, कृष्णा वैश्य थे, ही वॉज अ मर्सेंटाइल मैन, और ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है. मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि राधा रानी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दूंगा. हाँ हाँ, ऐसा है क्या? तो कृष्णा एकदम खुश हो के अपने दोस्त के लिए, हाँ ये लो और लड्डू, आशीर्वाद भी लेता है, फिर और भी लड्डू देता है. तो ये हम रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं कृष्णा के साथ में, वात्सल्य भाव में, या तो हम सॉरी वात्सल्य नहीं साख्य भाव में, हम वात्सल्य भाव में कृष्णा के माता पिता बन सकते हैं, कृष्णा को निला सकते हैं, कृष्णा को कपड़े पहना सकते हैं, कृष्णा को तैयार कर सकते हैं, कृष्णा को डांट सकते हैं. तो माता यशोदा कृष्णा से बहुत सारे कार्य करवाती थी. बेटा ये स्टूल लेके आओ, मुझे बैठना है मतना है. तो कृष्णा छोटे बच्चे में, हाँ स्टूल कैसे तो लेके आते थे, ला के रखते थे. कभी कभी नंदा बाबा बोलते थे, ओ मेरा चप्पल वहाँ पे रखा है पादू का लकड़ी का, उसको लेके आओ. कृष्णा उठा नहीं पाता था, उसको सर पे लेके आते थे. ये कौन है? ये परमेश्वर कृष्णा है, ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये सबके मालिक है. ये अपने सर पे रखते हैं और अपने भक्तों की सेवा करते हैं. कभी कभी कृष्णा कोई कोई चीज़ उठा भी नहीं पाते थे, ऐसा होता था. तो माता जी को बहुत प्यारा था, वो मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है. और यही कृष्णा इंद्रा को सबक सिखाने के लिए गोवर्धन उठा लेते हैं. अपने भक्तों के लिए वो कभी कभी बालक जैसे व्यवहार करते हैं, और कभी कभी अपने भक्तों को सबक सिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं. दिस इज कृष्णा. इसलिए कृष्णा को समझना बहुत मुश्किल है, सिर्फ भक्त ही उनको समझ सकते हैं. इसलिए हमें भक्ति करना पड़ेगा, कृष्णा से प्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अदर प्रेम कम करना पड़ेगा, जो कि लस्ट एक्चुअली, जो प्रेम नहीं है. क्योंकि प्रेम सिर्फ एक से हो सकता है, कृष्णा से. और बाकी जनों से प्रेम जब भी होगा, जब वो कृष्णा के रिलेशन में रहेगा. अगर आपके शरीर के रिलेशन में रहेगा तो वो लस्ट है, काम. और लस्ट जो सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा. क्योंकि लस्ट का प्रॉब्लम क्या है? मैं लस्ट को सेटिस्फाई करूंगा तो लालची बन जाऊंगा, मैं लस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, क्यों नहीं हुआ मेरा लस्ट सेटिस्फाई, हुआ बाकियों को नहीं हुआ तो बाकी को नहीं हुआ, प्राइड प्राउड हो जाऊंगा. बाकियों का हो गया मेरा नहीं हुआ तो मैं ईर्ष्यालु हो जाऊंगा, इनका कैसे हो गया. ये हम इल्यूजन में चले जाते हैं. और यही हमारा प्रॉब्लम है. हमारा अट्रैक्शन है कृष्णा के लिए नेचुरली, जैसे चुंबक कैसे रहता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, हमारा अट्रैक्शन है. मगर वो कवर हो चुका है, जंग हो चुका है. किसकी वजह से? ये अनर्थ की वजह से, काम क्रोध मोह मत्सर्य लस्ट एंगर प्राइड एनवी इल्यूजन, ये छह दुश्मन ने हमारे अट्रैक्शन को कृष्णा की तरफ कवर करके रखा है. और हम बेवकूफ जैसे ये छह चीजों के लिए ही काम कर रहे हैं. ओ कोई नियम कानून नहीं, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, ओ खुल्लम खुल्ला जो मन में आए खाएंगे, संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, नॉनवेज खाएंगे. हम मंडे को नहीं खाएंगे, हम वेनेसडे को खाएंगे, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है. रिलीजन एज पर कन्वीनियंस, ये हमारा प्रॉब्लम है. कहाँ से प्रेम आएगा? प्रेम नहीं आएगा. तो हमें दवाई लेना पड़ेगा और हमें नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा. तो क्या दवाई है ये संसार में? एक ही दवाई है, हरि नाम. और सरल है नाम लेना, बहुत ही ईजी नेम है. क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. कहते हैं जो ये व्यक्ति ये नाम नहीं लेता है अपनी जीवा से, वो व्यक्ति मुर्दा समान है, मुर्दा समान है. अगर आपने आज तक नाम नहीं लिया ये हरे कृष्णा मंत्र का, तो अभी तक आप मुर्दा थे. आज आपने लिया तो आप जीवित हो गए. और आपको अगर और जीना है तो रोज लेते जाइए, रोज नाम लेते जाइए. और साथ ही साथ में मेडिसिन तो लोगे, थोड़ी प्रिकॉशन भी लीजिए.
गलत चीजें मत खाइए, गलत चीजें मत देखिए, गलत चीजें मत बोलिए। ये सब लिखा गया है गीता में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये फालतू लोगों को एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अपनी लाइफ वेस्ट मत करो, मूवी को देख के अपनी लाइफ मत जियो, कृष्णा के बारे में सुनो, कृष्णा के बारे में पढ़ो, लाइफ उसके हिसाब से जियो। पागल लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? मूवी में भी दिखाते हैं प्यार प्यार प्यार, हीरो हीरोइन, उनका खुद का ठिकाना नहीं रहता है, दो तीन तो डिवोर्सेस हो जाते हैं उनके, वो आपको क्या प्यार करना सिखाएंगे? ये रियलिटी है और हमको फॉलो करते हैं, उनका गेटअप करते हैं, उनके से ड्रेस करते हैं। वी आर स्टूपिड, दिस इज स्टूपिडिटी, दिस इज इंसैनिटी, और ये कलयुग के जीव है। तो प्लीज इसका मनुष्य जीवन का फायदा उठाइए। गीता है नहीं है तो आज लेके जाइए, रखिए घर में, कुछ नहीं होगा, रखिए, आपका बच्चा तो पढ़ेगा, किसी के काम तो आएगा, लेके जाइए, किसी को दीजिए, किसी के लाइफ हेल्प कीजिए। हम सबको शेयर करते हैं मगर ये शेयर नहीं करते हैं। ये जो शेयर करता है, भगवान कहते हैं वैसे व्यक्ति वापस जन्म नहीं लेता, ये संसार में वापस उनके पास आता है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं धर्म का? कंफर्म हो गया। सो आज के लिए काफी है और भगवान अभी दर्शन देने आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं उनका नाम लेके। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे पीछे दोहराइए जोर से, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। जय श्री श्री राधा राज बिहारी जी के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण और हनुमान जी के, श्री श्री गौर निताय की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, नित्य गौर प्रेमानंद, हरे कृष्णा। वंदे।